प्यार के पागलपन में पांचवी पास महिला दुबई जाती है, पासपोर्ट बनवाती है, मकान बेचती है, रजिस्ट्री कराती है, अपने पाकिस्तान के आइडेंटिटी पेपर्स लेके दुबई आती है, दुबई से काठमांडू आती है, काठमांडू से पोखरा जाती है, और पोखरा से फिर आती है दिल्ली, और दिल्ली से आती है रघुपुरे, बिल्कुल बगल में आपके, और कोई जगह नहीं मिली थी, क्योंकि रघुपुरा जो है जेवर एयरपोर्ट से लगा हुआ, जहां पे लगभग 15,000 करोड़ का निवेश हो चुका है और विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, हिंडन एयरबेस बिल्कुल लगा हुआ है गाजियाबाद का, यहां के हजारों नौजवान और नवनियुक्त पैरामिलिट्री फोर्स में और फौज में है। तो इससे अच्छा बेस कहां हो सकता है स्ट्रैटेजी के लिहाज से, उपयोगिता के आधार पे, और सामरिक महत्व को अगर दृष्टिगत रखें। सीमा जी तो बहुत वाकपटु है, सचिन वहां की महिलाएं जो कह रही हैं कि सीमा भाभी जगत भाभी सचिन को बिल्कुल पोपट बना दिया, मुझे मालूम है पोपट माने क्या होता है, कि उसको पोपट बना करके मुट्ठी में करके अपनी अंटी में बांध लिया है उसको, भगवान जाने क्या सच्चाई। लेकिन वहां की महिलाओं का जो पहले तो था कि ये हमारी बहू है, लोग उनको नजर उतार रहे थे, लोग उनको नजराना दे रहे थे, वो भी बिल्कुल भाव भंगिमा, बिल्कुल मैं तुलसी तेरे आंगन की, उस तरीके से बना करके तुलसी पे अर्घ वैसे दे रही हैं जैसे मंदिर, एक तो अर्घ होता है यो जाकर के सीधे, एक होता है बिल्कुल मंदिर के पुजारी की तरह से मस्तक से ऊपर आज्ञा चक्र से लोटे की लाइन मिला करके देना। किसने ट्रेनिंग दे दी आपको? आपको भी मालूम है कि आज्ञा चक्र से लोटा मिला करके जब अर्घ दिया जाता है उसका महत्व क्या होता है, अच्छे अच्छों को नहीं मालूम होगा, जिसको कहना कि चुड़ैल ने घर देख लिया। अच्छा, चुड़ैल ने अगर घर देख लिया, अगर एक आ सकती है सीमा जी, तो पांच सीमा भी आ सकती है, पांच पांच बच्चों के साथ, 50 भी आ सकती है, 500 भी आ सकती है। अब अगर एक सीमा पांच बच्चों के साथ आ सकती है, और जो भगोड़ा होता है, जो नाजायज काम करता है, वो अपनी वहीं पे छाती पे मुंह नहीं गलता है, वो चोर की तरह भूमिगत होता है, वो इधर उधर जाता है। सचिन सीमा कहीं भागे नहीं, यही रहे, क्योंकि उनको रघुपुरा में ही रहना है, यहीं पे बेस बनाना है, और उनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि यहां पर आके न सिर्फ रहे बल्कि लोगों के विश्वास पात्र भी पूरी तरीके से बन गए, काफी हद तक बन गए। अब रघुपुरा में अगर आने का मतलब यह है, एक सीमा सकती है तो 500 सीमा भी आ सकती है, और अगर साल में 500 सीमा आ जाती है रोज एक या डेढ़ के हिसाब से, तो साल में अगर इतना होगा तो दो साल में कितना होगा, यहाँ की तो डेमोग्राफी बदल जाएगी। सीमा आज अगर आप गौर करें कि जितना उसको पब्लिसिटी मिली है और जो उसको कवरेज मीडिया ने दिया है, अगर आप उसको पैसों में भुगतान करके उतना इश्तेहार आप देती, तो ये लोग बताते हैं कि कम से कम 300 करोड़ रुपए का निवेश होता तब इतनी पब्लिसिटी मिलती। सीमा जो सिंध वाली थी और सीमा जो रघुपुरे में है, सीमा जो है रॉकस्टार हो गई है आज जी। आज सीमा रॉकस्टार हो गई है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा। अभी आप मीडिया की बात कर रही हैं, अभी चैनल वाले आएंगे कि साहब हम आपके ऊपर ओटीटी फिल्म बनाना चाहते हैं, हम आपकी प्रेम कहानी के ऊपर सीरियल बनाना चाहते हैं, कीचड़ में कमल, उसका नाम क्या होगा, कीचड़ में कमल, प्यार अंधा होता है, अब उसके नाम के भी कयास लग रहे हैं। यहां पे तो फालतू के कामों के लिए पूरी फुर्सत है। दिल्ली में बाढ़ आई, जो मानव त्रासदी है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। मैं या कोई भी जी राष्ट्रवादी व्यक्ति जिसकी जरा सी भी समझ होगी, चीख चीख करके इनकी प्रेम कहानी कह रही है कि इतने पेच वाली प्रेम कहानी न हमने न देखी न सुनी। और जो पेच अगर मैं गिनाने शुरू तो आपका पूरा शो उन्हीं पेचों में उलझ के रह जाएगा जो कि इस प्रेम कहानी के संग बुनियाद में है, आधारशिला में है जी। सबसे पहले प्रेम के पीछे कोई आधार होता है, एक 10,000 रुपए कमाने कोई मेरा आक्षेप नहीं है, सब अगर गरिमापूर्ण तरीके से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रेम का आधार 10,000 का पल्लेदार और सीमा का व्यक्तित्व देख लीजिए, 36 गुणों में कोई गुण मिल रहा हो, मुझे तो मिला नहीं, आपको मिल रहा तो जरा प्रकाश डालिएगा। नंबर दो, पबजी खेलते खेलते प्रेम संबंध हो गया, पहले भी हुए हैं, कई केसेस हुए हैं, लेकिन प्रेम संबंध होना एक चूक और अपनी दुम में आग लगा करके कलाबाजी खाने लगना ये दूसरी बात है। चार बच्चे लेकर के अपनी जमी जमाई गृहस्थी को छोड़ करके मकान बेच करके जी, प्रेम का ये पागलपन और प्रेम की पराकाष्ठा मैंने नहीं देखी।
बहरहाल चलिए मान लीजिए प्रेम की पराकाष्ठा भी हो गई, लेकिन पांचवी पास एक महिला, उसका उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी, हिंदी, और हिंदी का ज्ञान तो वाह, लगता है कि BHU के हिंदी के प्रोफेसर ने उसको हिंदी पढ़ाई है। जो हिंदी के शब्द अच्छे अच्छों को नहीं मालूम है, वो सीमा देवी जी जो है उनका प्रयोग करती है संवाद में, उनका आत्मविश्वास का स्तर देख ले। अगर प्यार है तो उसको ताबीज बना करके बांटने की क्या जरूरत। जब आप लोगों के सामने ये लोग बैठते हैं तो सीमा जी का व्यवहार निहायत आपत्तिजनक और अश्लील होता है। सार्वजनिक रूप से जिस तरीके की वो हरकतें करती हैं वो सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मान लिया, चलिए हर चीज मान ली। हमारे पुलिसकर्मी 4 शहीद हुए, इस बीच में एक लफ्ज किसी ने जो संवेदना का कहा नहीं, वो सीमा और सचिन, वो त्राटक जिसको कहते ना त्राटक, पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ पूरी आंख फाड़ करके उसी तरफ देखो, क्योंकि लगता है रोहिणी नक्षत्र का उदय अब वही होने वाला है, अमृत अमृत की वर्षा वहीं से होने लगेगी सीमा जी के श्री चरणों से। जो सम्मोहन की जो दशा है, मुझे खुद पीड़ा हो रही है, जो आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं अचला जी, मुझे भी पीड़ा, उसको रॉक स्टार जो आपने बना दिया ना। सीमा को कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, सीमा और सचिन अब उनपे सीरियल भी बनेंगे, अभी मीडिया ही नहीं, उनके ऊपर बाकी अगले अंक भी देखिएगा, अगला विशेषांक। नेपाल और भारत की सीमा 1770 किलोमीटर लंबी है जी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के विपरीत ये खुला बॉर्डर है, यहां नदियां भी हैं, काली नदी है आपके कुमाऊं में, इसके अलावा नदियों और वनों का ये है, बल्कि अगर कहें कि कतरनिया घाट, रुपेडीहा आदि स्थानों में तो ये कहते हैं चलो आज नेपाल चलते हैं, वहां जाकर के कुछ घड़ियां वड़ियां ले आएंगे सस्ती मिलती हैं, कुछ कंबल ले आएंगे सस्ते मिलते हैं, कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलते हैं चीन के बने हुए, और एक टॉप रेमन नूडल होता है जो कोरिया का होता है, वो भी सस्ते खा करके आ जाएंगे पिकनिक बना करके। ये हालात तो बॉर्डर के हैं, क्योंकि इंडो नेपाल ट्रीटी है इसलिए कोई बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं होती है। फिलहाल पिछले 10 वर्षों में SSB नामक फोर्स जो है इसकी निगरानी करती है, लेकिन निगरानी के नाम पर कोई बहुत ज्यादा नहीं। इसके पहले ये सही था कि माओवादी तत्व आते थे अपना इलाज कराने, क्राइम करने नहीं, लेकिन अवांछनीय वस्तुओं का आवागमन जिसमें ड्रग्स भी हैं, हथियार भी हैं, ये बिल्कुल था, इनकी चेकिंग होती है। सामान्य व्यक्ति अगर है उसकी कोई चेकिंग नहीं होती थी। जैसे मैंने कहा एक तफरी में पिकनिक मनाने यहां से लोग नेपाल जाते हैं और वहां से लोग हिंदुस्तान आते हैं। अब आपकी जो बात है कि इसमें चूक कहां हुई, चूक यहां इस बात की हुई, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट जी। आज से 30 साल पहले तो सीमा अगर आ गई तो क्या हुआ, तब भी यही सवाल करते थे 30 साल पहले कि अगर इक्का दुक्का मस्जिदें या मदरसे बन जाते क्या हुआ, इक्का दुक्का बन गया तो क्या हुआ। लेकिन अगर पूरे 8 जिले के बॉर्डर के ऊपर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हर किलोमीटर के ऊपर अगर मदरसे, मस्जिद और मजारे बनी हुई हैं तो चिंता का विषय नहीं है। जहां पर एक भी परिवार इस समुदाय का नहीं था और वहां ला करके बांग्लादेश से रोहिंग्या ला के बसाए गए, पूरे बॉर्डर को आपने वही कर दिया जो